रानी साहब को। Excuse me. Good evening, Rani sir. क्या बात है, इतनी बढ़िया पार्टी चल रही है और होस्ट के होश उड़े हुए हैं। ये पार्टी हमेशा याद रहेगी। आज एक अच्छा दोस्त खो दिया और एक पूरा दुश्मन बना लिया। क्या हुआ, आप सिर्फ इशारा कीजिए, आपके दुश्मनों की परेड लगवा दूंगा मैं। आइए। पता करो इस गीतांजलि के आसपास कौन कौन लोग हैं, छोड़ना नहीं किसी को भी। जी सर। चलो। शायद यही लिखा है हमारी किस्मत में कि सब हमको छोड़ जाए। मैं किसकी तरफ देखूं? बिल्कुल अकेली हूं। कोई मखमल पर चले या मिट्टी पर, ना तो कोई खुद को गले लगा सकता है, ना कोई खुद के कंधे पर सर रखकर रो सकता है। कोई तो एक होना चाहिए, अपना। मैं हूं आपके साथ हमेशा, कुछ नहीं होगा आपको। आर्मी वाला हूं, हर तरह से हैंडल कर सकता हूं। आर्मी की बात अलग है, पर राजनीति में नीति से कुछ नहीं होता। वो संजीव पॉलिटिकली कुछ भी कर सकता है। आपने कभी कैरम खेली है? क्वीन के साथ एक कवर भी होता है जो क्वीन के साथ हमेशा होता है, पर वो कौन है वो सिर्फ सही वक्त आने पर पता लगता है। आज से आपका कवर मैं। अरे, what are you doing here? I thought तो छुट्टी पे जा रहा है। कैंसिल, इस इमरजेंसी के चक्कर में सब कुछ कैंसिल, हद हो गई है यार। तेरी तो सिर्फ छुट्टी कैंसिल हुई है, लोगों के साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गीतांजलि देवी के बारे में सुना? नहीं, वो भी अंदर? सिर्फ जेल ही नहीं, सुना है सारा खजाना भी जब्त कर लिया है उसका। कब, किसने? रुद्रा। अब ऐसे केस के लिए छुट्टी कैंसिल हो तो मजा भी आता है, गीतांजलि देवी के दर्शन भी हो जाएंगे और उनके खजाने के भी। सर, अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने के लिए थैंक यू। टाइम तो निकालना ही था, तुमने कहा कुछ अर्जेंट काम है। सर, अर्जेंट इसीलिए बोला क्योंकि जिंदगी में कुछ अर्जेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम पास चल रहा है। और आपके साथ जब वॉर में था तो बहुत मजे थे, ना खुद सोते थे ना दुश्मनों को सोने देते थे। वॉर खत्म होने के बाद जिंदगी का मजा खत्म हो गया सर। I do miss working with daring and dependable officers like you, Seher. But I only wish there were no more wars in this world. नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, वॉर इज टेरेबल, बट सर सोल्जर की जिंदगी अगर सिंपल हो जाए तो बोरिंग हो जाती है, और आप जैसे ऑफिसर के साथ काम करके सीखने में जो मजा है वो मिस कर रहा हूँ सर। बस एक और ऐसा मिशन मिल जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। कुछ होगा तो मैं बताता हूं। I have to attend to something really urgent. Catch you later, sir. ठीक है सर, फिर मैं चलता हूं। ओके। जय हिंद सर। जय हिंद सर। मेरे साथ राजस्थान चलोगे? सोने के साथ अपनी सरकार तक ये भी पहुंचा देना। इस चेहरे से दूर रह पाना किसी मिशन से कम नहीं था। तुम्हारे अरेस्ट की खबर मिलते ही मैंने अपने सारे सोर्सेस लगा दिए, और इस केस में इन्वॉल्व हो क्या यहां कोई नहीं जानता है कि हम एक दूसरे के कितने करीब हैं। तुम्हें पता है सोने के बारे में?
सोना कहाँ है, कितना है और कैसे पहुंचने वाला है, सब खबर है मुझे। तुम बताओ पहुंचाना कहाँ है। पुलिस और चोर का काम अलग होता है। चोरी तुम नहीं, भवानी करेगा। ये भवानी कौन है? पुराना बॉडीगार्ड है, वो चोरी करेगा और तुम उसकी सोना लेकर जाने में मदद। पुलिस भी हमारी और चोर भी हमारा। देखती हूँ संजीव कैसे हाथ लगाता है मेरे सोने को। सोना मेरी सिक्योरिटी में, उसे मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ, तो इस भवानी की क्या जरूरत है? इतना आसान नहीं है शहर, सरकार को कम मत समझो। कुछ भी गड़बड़ हो गई, इफ द रॉबरी गोज रॉन्ग, तो भवानी पकड़ा जाएगा, सब उसके पीछे जाएंगे, तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। और अगर भवानी सक्सेसफुल हो गया तो गोल्ड मिलते ही अक्रॉस द बॉर्डर, फिर भवानी जाने और सरकार, मतलब दोनों सूरतों में बलि भवानी की चढ़ेगी। तुमने कभी ताश खेली है? ताश में जो दिल का राजा होता है उसके सीने में हमेशा खंजर होता है। कोई नहीं जानता कि खंजर भौंक कौन रहा है। हो ना हो, कोई रानी ही होगी। राइट सर। इस एरिया में कितने हॉस्पिटल्स हैं? सर दो सरकारी हॉस्पिटल हैं बस। बॉर्डर सील करवाओ, सारे चेक पोस्ट पर इत्तला कर दो, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के निकलनी नहीं चाहिए। गोली निकलवाने हॉस्पिटल जरूर जाएंगे, दोनों हॉस्पिटल पर फोर्स भेजो। सर घोषणा कर दो, खबर देने वाले को इनाम मिलेगा। लेट्स मेक दिस डेजर्ट देयर प्रिज़न। फिर तो पूरे शहर को पता चल जाएगा। और आप चाहते थे बात गुप्त रहे, पर अब छुपाना गलत होगा। We can't afford any more mistakes. I can't afford any more mistakes. सर आपने कभी सांप पकड़ा है? बड़े धीरे से दबे पांव उसके नजदीक जाकर बिना आवाज किए उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं। वो लोग बॉर्डर तक यही रास्ता लेंगे। मैं मानता हूं हमारे हाथ से निकल गए हैं, बट गोल्ड की वजह से ये ट्रक का वजन बहुत ज्यादा हो गया और यही एक सीमेंटेड रास्ता है। सर हम अपनी फोर्स को इसी एरिया में लगा देते हैं। तुम चाहते हो सारी फोर्स इस रास्ते पे हो ताकि वो दूसरे रास्ते से निकल जाए? ये प्लान उनका है या तुम्हारा? What do you mean, sir? सिक्योरिटी इंचार्ज तुम, प्लान तुम्हारा, रास्ता तुम्हारा। ये बात मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता थी, तो फिर ये सब कैसे हो गया? अगर दूसरे आप थे जिसको ये प्लान पता था तो वो लोग भी आप ही ने भेजे होंगे। How dare you? मुझे भी इतना ही गुस्सा आया था सर, पर हम लोग आपस में लड़ते रहे ना तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा। आप एक बात भूल रहे हैं, हमारे अलावा कोई तीसरा था जिसको ये पूरे प्लान की खबर थी। कौन? गीतांजलि।